द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ द न्यूमिरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1 देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिरेटर फाइंड द फ्रैक्शन। तो अपने पास एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर्स हैं, तो अपनी जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम लोग मान लेते हैं कि न्यूमिरेटर की जगह है अपना x और जो डिनोमिनेटर है वो है y। तो ये न्यूमिरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। अब फर्स्ट लाइन है न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो न्यूमिरेटर क्या है x, और x कितना है इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर से 4 लेस देन है। तो डिनोमिनेटर है अपना y, तो उससे लेस देन कितना है 4, यानी इसमें से माइनस करेंगे 4 तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, न्यूमिरेटर के। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे है इफ़ द न्यूमिरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 2, न्यूमिरेटर अपना x है, x को हम लोग डिक्रीज करना है डिक्रीज्ड बाई 2 यानी कि इसमें से माइनस करना है 2, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, ये है अपना डिनोमिनेटर जो कि y है और y को क्या करना है इंक्रीज्ड करना है 1 यानी कि प्लस करेंगे 1। देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिरेटर, तो इस न्यूमिरेटर का क्या हो गया 8 टाइम्स है कौन, ये डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस नए वाले डिनोमिनेटर के। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब बात ये है कि x की वैल्यू y माइनस 4 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि y की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सके। तो x की जगह क्या लिखेंगे y माइनस 4, x की जगह लिखा y माइनस 4। फिर आगे है माइनस 2, हमने भी लिखा माइनस 2 इंटू 8 इक्वल टू y प्लस 1, y माइनस 4 माइनस 2 तो माइनस 6 हो गया, मल्टीप्लाई में है 8 इक्वल टू y प्लस 1। अब 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 8y, माइनस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48 इक्वल टू y प्लस 1। तो y को ट्रांसपोज कर लेते हैं इस तरफ, तो 8y ये प्लस में है तो माइनस y हो गया और ये 1 अपनी जगह पे है, माइनस 48 है ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में 48। तो 8y में से माइनस करना है 1y, तो अपने पास रह गए 7y और इधर हो गया 48 और 149, तो y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 49 अपॉन 7, ये 7 डिवाइड में आ गया तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, 7 जब 49 तो 7। तो यहाँ से हम लोगों ने y सॉल्व कर लिया है जो कि है 7। x की वैल्यू हमें और फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू क्या है y माइनस 4, y कितना है 7, 7 माइनस 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x और y आ गया, तो जो अपनी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या थी x अपॉन y, तो फ्रैक्शन हो गई 3/7, तो ये अपना आंसर हो गया 3/7। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं कैसे, इसने कहा था न्यूमिरेटर में से माइनस करना था 2, तो न्यूमिरेटर कितना है 3, 3 में से माइनस किया 2 1, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, और इधर y प्लस 1 यानी डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इस तरीके से दोनों पार्ट इक्वल हो गए, इस तरीके से हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।